नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नपुंसकता भी कहते हैं। उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है जिन्हें सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो वो इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाते हैं और वह कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है, लेकिन आम तौर पर यह समस्या 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको है तो आप इसे कैसे मैनेज करें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितने टाइप का होता है। दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं आखिर क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब कोई पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित हो जाता है तो उसे इरेक्शन महसूस होता है और उसका दिमाग उसके प्राइवेट पार्ट की नसों को वहाँ खून का प्रवाह बढ़ाने का सिग्नल भेजता है, इसे ही इरेक्शन कहते हैं। लेकिन जब सेक्सुअली उत्तेजित होने के बाद भी पेनिट्रेशन के लिए इरेक्शन न हो पाए और दोनों पार्टनर सेक्सुअली असंतुष्ट रह जाएं, तो इस समस्या को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नपुंसकता की वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी या नपुंसकता एक सामान्य समस्या है जिसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़ी कई वजहें शामिल हैं, जैसे काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थकान, बेचैनी, किसी बात की चिंता, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर आदि। इस तरह के मामलों में नपुंसकता कुछ समय के लिए होती है और जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं यह समस्या भी ठीक हो जाती है। शॉर्ट टर्म नपुंसकता के लिए डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, को आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके ठीक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नपुंसकता की बजाय हालांकि अगर इरेक्शन न होने की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो हो सकता है इसके पीछे किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या जिम्मेदार हो। कई बार हाई बीपी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से प्राइवेट पार्ट में ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाए, तब भी नपुंसकता की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। अब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट की। तो इलाज की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या का इलाज कैसे होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर इसके होने की वजह क्या है। अगर आपकी समस्या स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है या इमोशन से जुड़ी है तो इसके इलाज के लिए आपको सेक्स एक्सपर्ट से मिलकर सेक्स थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अब मैं यहाँ आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा जिससे आप इसको ईडी को ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी पुरुष में नपुंसकता की समस्या और साथ ही नींद के दौरान वीर स्खलन होता है तो इनके लिए एग्नस कास्टस क्यू सबसे कारगर होम्योपैथिक दवा है। सुबह और शाम पानी के साथ 10 से 15 बूंद सुबह शाम सेवन करने से ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम 200। यदि किसी पुरुष में काम इच्छा प्रबल हो लेकिन उनकी शक्ति कमज़ोर होती है, इसके अतिरिक्त जिन्हें शीघ्र पतन की समस्या हो ऐसे व्यक्ति के लिए यह दवा लाभप्रद होती है। नेक्स्ट है कैलेडियम। किसी भी तरह का नशा व्यक्ति में नपुंसकता का कारण बनता है, इस तरह के पेशेंट को कैलेडियम दवा लेनी चाहिए। दोस्तों होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके लेने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है।
दोस्तों अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।